Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the part 3 of our 5th chapter, that is cyber safety. And today in this chapter we have to discuss about private browsing and anonymous browsing, and then we have to learn about proper uses of password. Now let's begin. Till now in this chapter we have done the introduction of this term cyber safety, and we have also discussed about various ways through which websites can track. Now let's start. Well, in the previous class we have discussed the following terms. We have discussed about IP address, cookies and tracking scripts. Then we have discussed about first party and third party cookies. Then we have discussed about this term HTTP referrer, super cookies and user agent. And then we have also discussed about a quick introduction of this. We have done the introduction of this term private browsing and anonymous browsing. So ek bar isko fir se padhte hain, samajhte hain, fir aaj ki class ko start karte hain. Anonymous browsing. Well, ये जो एनोनिमस ब्राउजिंग होती है भाई, यहाँ पर क्या होता है, यूज़र को अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लाइक अपना आईपी एड्रेस, अपना यूज़र नेम, इन सारी चीज़ों को रिवील करे बिना ब्राउजिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड मिलती है. फाइन, जिससे क्या हो रहा है भाई, यूज़र अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को ईजिली परफॉर्म कर सकता है और वो अपनी किसी भी टाइप की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करने देगा. वेल, जब भी हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं या जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, उस वेबसाइट को, गवर्नमेंट को, इन सब लोगों को हमारा आईपी एड्रेस, हमारा यूज़र नेम, हमारी अकाउंट डिटेल्स मिल जाती हैं. अब सोचो, अगर किसी सिनेरियो में तुम अपने आईपी एड्रेस को या अपनी मशीन को सेफ रखना चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो कि गवर्नमेंट के पास या आईएसपी के पास या फिर तुम्हारी उस वेबसाइट के पास तुम्हारा आईपी एड्रेस जाए, तो उस केस में तुम वहाँ पर यूज़ करोगे एनोनिमस ब्राउजिंग का. फाइन, अभी जो एनोनिमस ब्राउजिंग होती है ये मोस्टली कौन यूज़ करता है, इसका मोस्टली यूज़ करती है गवर्नमेंट, जर्नलिस्ट या फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं. फाइन, वो लोग जो किसी कंपनी में सिक्योरिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, ये लोग मोस्टली इसका यूज़ करते हैं, या फिर वो लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं. इसका एक और टाइप है प्राइवेट ब्राउजिंग. अभी प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है भाई, प्राइवेट ब्राउजिंग में हम लोग कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ को सेफ गार्ड कर सकते हैं. जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग, यहाँ पे लिखी हुई है, a type of browsing wherein browser opens in the incognitive mode and does not store cookies about the user's online activities. Private browsing में भाई क्या होता है, यहाँ पर user को एक incognito mode मिलता है जिसमें कि user की cookies या user का जो भी data होता है, working data होता है, वो कहीं पर भी reveal नहीं होता है, कहीं पर भी store नहीं होता है, जिससे कि अगर user एक बार उस browsing को use करेगा तो वो कहीं पर भी अपनी information को reveal नहीं करेगा और वो कहीं पर भी track नहीं हो पाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर सर्चिंग फॉर अ वेबसाइट, लाइक तुम किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हो बट तुम नहीं चाहते हो कि बाद में उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन फेच कर सके, तो तुम अपने ब्राउजर में इनकॉग्निटिव मोड का यूज़ कर सकते हो और वहाँ पर जाकर तुम जो भी कुछ सर्च करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे फ्रेंड्स के फ़ोन में सेव नहीं होगी. अब जरा एक सिनेरियो की बात करते हैं भाई. सपोज करो तुमको एक दिन अपना जीमेल एक्सेस करना था लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल फ़ोन नहीं था. फाइन, तुम्हें जीमेल एक्सेस करना है लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो तुमने क्या करा, तुमने अपने फ्रेंड का फ़ोन बोरो करा. फाइन, और तुमने उसमें क्रोम में जा कर के या किसी और ब्राउज़र पे जा कर के जीमेल को ओपन करा. वेल, जैसे ही तुमने वहाँ पे जीमेल ओपन करा तो क्या हुआ भाई, तुमने वहाँ पर अपनी जीमेल की आईडी पासवर्ड को टाइप करा होगा. फाइन, और इसका मतलब वहाँ पर एक कुकी जनरेट हुई होगी जो तुम्हारे आईडी पासवर्ड को कैरी करती होगी. वेल, जैसे ही तुमने वहाँ पे जीमेल को एक्सेस करा तो भाई उस कंप्यूटर में कुकी जनरेट हो गई, उसके फ़ोन में या उसके कंप्यूटर में एक कुकी सेव हो गई जिसका वो अगर चाहे तो फ्यूचर में मिसयूज़ कर सकता है और तुम्हारे अकाउंट को हैक कर सकता है. अब यहीं पर अगर हम लोग खुद को सेफगार्ड करना चाहते तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने फ्रेंड का फ़ोन या डिवाइस तो यूज़ करेंगे बट उसमें डायरेक्टली क्रोम या किसी भी ब्राउज़र को यूज़ करने की बजाय हम लोग क्रोम का या फिर उस ब्राउज़र का इनकॉग्निटिव मोड ही यूज़ करेंगे. इनकॉग्निटिव मोड में बेनिफिट क्या होगा भाई, ये हम लोगों की कुकीज़ को सेव नहीं करेगा और जैसे ही ब्राउज़र की विंडो में क्लोज करूँगा तुरंत की तुरंत ये सारी कुकीज़ को मेरे डिवाइस से रिमूव कर देगा परमानेंटली. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इनकॉग्निटिव मोड. एंड एक और सिनेरियो लेते हैं भाई. सपोज यू आर परफॉर्मिंग नेट बैंकिंग, तुम नेट बैंकिंग परफॉर्म कर रहे हो लेकिन तुम जो नेट बैंकिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो वो एक पब्लिक कंप्यूटर है जिसको बहुत से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कंप्यूटर्स हम लोगों की लैब में होते हैं या फिर जो कंप्यूटर्स इंटरनेट कैफेज़ में होते हैं या किसी के ऑफिस में होते हैं, फाइन, इन सारे कंप्यूटर्स को बहुत से लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो इस टाइप वाले कंप्यूटर्स में कभी भी हम लोगों को नेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए. बट सपोज़ करो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस आ गया जहाँ पर तुमको वहाँ पर नेट बैंकिंग को यूज़ करना ही था,
तो भाई वहाँ पे तुम क्या करोगे, खुद को सेफ गार्ड करने के लिए वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो इनकॉग्निटिव मोड को, क्योंकि ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को फर्दर यूज़ के लिए सेव नहीं करता है और ये तुमको किसी भी तरीके की हैकिंग या किसी भी तरीके के डेटा स्टोरेज से सेफ गार्ड कर लेगा। फाइन, अब बाकी टर्म्स को भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। फर्स्ट इज दिस इनकॉग्निटिव ब्राउजिंग, जो मैंने तुम लोगों को भी डिटेल में बताई थी। अभी इनकॉग्निटिव ब्राउजिंग क्या होती है भाई? इनकॉग्निटिव ब्राउजिंग ओपन अ वर्जन ऑफ योर ब्राउजर दैट विल नॉट ट्रैक योर एक्टिविटीज़। ये तुम्हारे ब्राउजर का एक ऐसा वर्जन एक्टिवेट कर देगा जहाँ पर तुम्हारी एक्टिविटीज स्टोर नहीं होंगी। इट्स पर्टिकुलरली यूज इफ़ यू आर एंटरिंग सेंसिटिव डेटा लाइक बैंक डिटेल्स इन टू योर ब्राउजर, एज इट कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ योर इन्फॉर्मेशन बींग सेव्ड ऑन द कंप्यूटर। वेल जनरली इसका हम लोग यूज़ कब कर रहे हैं? जब भी हम लोग नेट बैंकिंग कर रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला काम कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर हम लोगों की बैंक की डिटेल्स हमारे कंप्यूटर्स में स्टोर हो गई तो हो सकता है उसको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। वो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आपका कोई रिलेटिव हो। फाइन, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ इनकॉग्निटिव मोड व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन। अगर अपने फ़ोन में से, अपने पीसी में से कोई भी वेबसाइट का यूज़ करो नेट बैंकिंग के लिए, तो भाई वहाँ पर यूज़ करो इनकॉग्निटिव मोड का, बिकॉज ये तुम्हारे पासवर्ड्स को सेव नहीं करता है। इट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर पर्पज लाइक, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? टू लुक एट सरप्राइज गिफ्ट फॉर द फैमिली विदाउट लीविंग क्लूज, सर्चिंग फॉर होटल रूम्स फॉर योर वेकेशन, फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म्स एक्सेट्रा। वेल जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने अमेजोन पर विजिट करा और तुम अमेजोन पर कोई एक आइटम सर्च मार रहे थे, फाइन। फॉर एग्जाम्पल तुम अमेजोन पर गेमिंग कॉन्सोल सर्च मार रहे थे, जैसे ही तुम अमेजोन पर कुछ भी सर्च करते हो, अमेजोन तुम्हारी सारी की सारी सर्च प्रीफ्रेंसेस को सेव कर लेता है और साथ ही साथ ही तुम्हारी सर्च प्रीफ्रेंसेस की कुकीज़ में तुम्हारे ब्राउजर में सेव कर लेता है। इससे भाई क्या हुआ, जब भी तुम अगली बार कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वो तुमको तुम्हारी उसी सर्च के बेसिस पे एड्स दिखाना चालू कर देगा, जिससे अमेजोन का फ़ायदा है, तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। फाइन, तो इस तरीके की चीज़ों को अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई भी हिस्ट्री हमारी ट्रैक हो सके, तो हम लोग उसके लिए इनकॉग्निटिव ब्राउजिंग का यूज़ करते हैं। या फिर सपोज करो तुम कोई एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तुम्हें कोई एग्जामिनेशन का तुम कोई फॉर्म फिल कर रहे हो जहाँ पर तुम अपनी बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हो, लाइक ए मोबाइल नंबर, योर एड्रेस एंड सम अदर थिंग्स, तो उस केस में भी हम लोगों को इनकॉग्निटिव का मोड यूज़ करना चाहिए। बट दिस इन्फॉर्मेशन इज स्टिल विजिबल टू योर स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। वेल इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हम लोग अगर इनकॉग्निटिव मोड का यूज़ करें तो भी जिसको सेंड कर रहे हैं उस तक का तो पहुँच ही जाएगी। कुछ स्पेशल टाइप के सर्च इंजन्स भी हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइक देयर इज अ सर्च इंजन कॉल्ड डक डक गो। मैंने इसको यूज़ करा हुआ है, एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है लेकिन थोड़ा सा अनोइंग भी है। फाइन, इस डक डक गो में क्या है भाई, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी जाके सर्च करते हो तो तुम्हारी सर्च हिस्ट्रीज को ये सेव नहीं करता है और ये तुम्हें एक प्राइवेट ब्राउजिंग या प्राइवेट सर्च करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। बट ये इंडिया में प्रॉपरली वर्क नहीं करता है ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। देन नेक्स्ट इज प्रॉक्सी। अभी भाई प्रॉक्सी क्या होती है जरा उसको ध्यान से समझना, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और तुम में से बहुत से लोगों को उसके बारे में पता भी होगा। तो अगर किसी को प्रॉक्सी के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और कमेंट डाउन करो एंड देन चेक करो कि क्या तुम्हारे पास सही इन्फॉर्मेशन थी, या अगर तुम्हें लगता है कि तुमको मेरी डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना हो देन यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन। अब प्रॉक्सी भाई क्या होती है? प्रॉक्सी वर्क्स बाय एक्टिंग एज अ मिडल मैन। प्रॉक्सी एक तरीके से मिडल मैन की तरीके वर्क करती है हमारे कंप्यूटर और वो वेबसाइट जिसको हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। वेल एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो तुम्हें कोई एक्सेस करनी थी वेबसाइट जो कि इंडिया में बैन हो गई है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू यूज टॉरेंट्स, यू वांट टू डाउनलोड समथिंग, ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट आप इंडिया में नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, तो उस केस में तुम क्या करोगे, तुम एक प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करोगे। प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा? प्रॉक्सी सर्वर तुम्हारे लिए उस एक्स वाई जेड वेबसाइट और तुम्हारे बीच में एक मिडल मैन की तरीके वर्क करेगा। फाइन, तुम जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करोगे इस प्रॉक्सी सर्वर को और ये क्या करेगा, एक्स वाई जेड वेबसाइट से सर्च करके रिट्रीव करके तुम तक का वो इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली पहुंचा देगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ भाई, तुम्हारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी लाइक योर आईपी एड्रेस, योर लोकेशन, योर बेसिक डेटाज एंड कुकी फाइल्स, दीज विल नॉट बी ट्रैक्ड और इट कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट यू। नाउ लेट्स रीड दिस वंस। प्रॉक्सी वर्क्स बाय एक्टिंग एज अ मिडल मैन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेबसाइट यू वॉन्ट टू एक्सेस। Now the tracking website will get the IP address and information that belongs to the proxy site. यहाँ पर क्या होता है, हमारी IP address की बजाय जिस भी proxy server का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिस भी proxy वाली website को हम लोग use कर रहे होंगे, उसका IP address share होगा और उसके IP address पे हम लोगों को कुछ information वहाँ पे मिल जाएगी, जिससे हमारी information reveal नहीं हो रही है लेकिन हम लोग अपने data को easily access कर पा रहे हैं। So you are effectively getting the same content, हम लोगों को same चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि बाकी लोगों को मिल रही थी, विदाउट इट गेटिंग टू न्यू योर ब्राउजिंग डिटेल्स, और उस वेबसाइट को हमारी ब्राउजिंग डिटेल्स नहीं मिल रही थी। फाइन, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई चीज़ डाउनलोड करनी थी फाइल हिपो से। अभी जो फाइल हिपो वेबसाइट है इसमें हम उन लोगों को फ्री सॉफ्टवेयर से मिल जाते हैं
बट ये बहुत अनॉइंग वेबसाइट है, इसमें जब भी तुम कुछ भी क्लिक करते हो तो तुमसे सब्सक्रिप्शंस के लिए बोलता है, यहाँ पे तुमको बहुत सारी चीज़ों पे क्लिक करना पड़ता है, बहुत सी बार बहुत सारी एड्स आती हैं, और कभी कभी हमारी आईपी एड्रेस को, हमारे ईमेल अकाउंट्स को भी स्टोर कर लेता है। तो यहाँ से भाई हैकिंग बहुत ईजिली हो सकती है। फाइन, ऐसी बहुत सारी इंटरनेट पे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम लोग फ्री में मूवीज, सॉन्ग्स, गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये सारी की सारी साइट्स हम लोगों की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं जो कि हैकिंग के पर्पस में यूज़ हो सकती है। तो भाई वहाँ पे खुद को सेफगार्ड करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक अच्छे से प्रॉक्सी सर्वर का। एंड देन एट लास्ट वी हैव VPN। अब ये जो VPN होता है, ये VPN भी एक तरीके के प्रॉक्सी की तरीके ही होता है। फाइन, VPN भी प्रॉक्सी की तरीके है, बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। VPN stands for Virtual Private Network. VPN का फुल फॉर्म होता है Virtual Private Network. It is a method used to add security and privacy to private and public networks like Wi-Fi hotspot and the internet. VPN एक तरीके की प्राइवेसी होती है जो हम लोग अपने नेटवर्क में अप्लाई करते हैं, स्पेशली वो नेटवर्क्स जो हम लोगों को पब्लिकली या प्राइवेटली रखने होते हैं, लाइक आर इंटरनेट और आर वाईफाई हॉटस्पॉट। VPN are most often used by corporates or corporations to protect sensitive data. मोस्टली VPNs का यूज़ करती हैं कंपनीज अपने सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करने के लिए। VPNs were originally meant for business employees working offsite to gain access to shared drives or networks. अब VPN का बेनिफिट क्या होता है भाई, अगर कोई वेबसाइट तुम्हारी कंट्री या तुम्हारी लोकेशन में एक्सेसिबल नहीं है, तुम उसको एक्सेस करना चाहते हो अपनी लोकेशन को बिना शेयर करे, तो भाई उस केस में तुम VPN का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसी पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट को एक्सेस करना था, फाइन, अगर तुम्हें किसी पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो जैसे ही तुम उस न्यूज़ वाली वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो वहाँ पर तुम्हारा आईपी एड्रेस सेव हो जाएगा, और उससे उनको पता चल जाएगा कि इंडियंस क्या कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं। बट अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, तुम अपने आईपी एड्रेस को वहाँ पर रिवील नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में तुम VPN का यूज़ करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, और वहाँ पर तुम्हारा आईपी एड्रेस या तुम्हारी लोकेशन बिल्कुल भी रिवील नहीं होगी। फाइन, अभी जो VPN है ना, ये थोड़ी सी खतरनाक चीज़ भी है, बिकॉज कभी कभी इसका यूज़ हैकर्स भी करते हैं टू हाइड देयर आइडेंटिटी इन एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन क्राइम। फाइन, VPN के थ्रू हैकर्स भी अपनी आइडेंटिटी को हमेशा हाइड कर सकते हैं किसी भी तरीके के ऑनलाइन क्राइम में। Nowadays, VPN at home protect yourself from hackers trying to access your sensitive information. Well, VPN की हेल्प से हम लोग अपने खुद के नेटवर्क को भी प्राइवेट बना सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी हैकर या कोई भी इंडिविजुअल उसको ईजिली एक्सेस नहीं कर पाए। अब बात करते हैं भाई आज के सबसे इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक की, दैट इज प्रॉपर यूजेज ऑफ पासवर्ड। आई थिंक सबको पता होगा, हम लोग आज जिस एज में हैं, इस एज में हैकिंग, फिशिंग या साइबर क्राइम्स तो बहुत कॉमन हो चुके हैं। फाइन, आज की डेट में हर एक इंडिविजुअल के साथ, फिर चाहे वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, वो कोई पॉलिटिशियन हो, या वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग हो, सबके साथ हैकिंग बहुत ईजिली हो सकती है। और ये जो 90% हैकिंग हम लोगों के साथ होती है, ये हम लोगों की ही कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो अगर कोई भी ध्यान से नहीं सुन रहा अभी तक का, तो प्लीज़ हेडफोन्स लगाओ और बहुत ध्यान समझो। अब ये पासवर्ड्स भाई क्या होते हैं, जब भी हम लोग किसी भी सोशल मीडिया साइट पे एक्सेस करते हैं, फाइन, या फिर अपना ईमेल एक्सेस करते हैं, या फिर भाई कोई भी और ऑनलाइन सर्विस यूज़ करते हैं, तो इन सारी सर्विसेज में हम लोगों को दो चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ती हैं। एक, हम लोग बनाते हैं अपनी यूज़र आईडी, और सेकंड होता है हम लोगों का पासवर्ड। अब ये जो हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज अगर तुम्हारा यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी के हाथ में लग गया, तो वो तुम्हारे अकाउंट को यूज़ कर सकता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ से रिट्रीव कर सकता है, और वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, मतलब तुम्हारी ऑनलाइन डिटेल्स के साथ वो कुछ भी कर सकता है। दैट पर्सन कैन ईजिली मैनिपुलेट योर डेटा, दे कैन मिसयूज इट, दे कैन हरास यू ऑल्सो बाई अपलोडिंग सम फेक र्यूमर्स अबाउट यू ऑन योर सोशल नेटवर्किंग पेजेस ऑल्सो। फाइन, इट मीन्स दिस थिंग, द स्टीलिंग ऑफ योर आईडी एंड पासवर्ड कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर यू ऑल। नाउ वॉट वी हैव टू डू, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सेव गार्ड आवर पासवर्ड। हम लोगों को अपने पासवर्ड को सेव करना चाहिए, और पासवर्ड को सेव करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है कि वो पासवर्ड जो भी तुम बना रहे हो वो पासवर्ड स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम था रजत, मेरा नाम है रजत वलेचा। फाइन, अब सपोज करो भाई मुझे जीमेल का पासवर्ड सेट करना था, तो मैंने क्या करा, बहुत सी बार ऐसा हम लोग करते हैं। फाइन, अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने पासवर्ड को जब सेव कर रहे होते हैं तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, रजत @123, या फिर 123
@Rajat, हम लोग कुछ ऐसा कभी कभी पासवर्ड सेव कर लेते हैं ना, जहाँ पे हम लोग का नाम होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, कोई अल्फ़ाबेट होता है, फाइन। अगर हम लोग कभी भी कोई भी ऐसा पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं भाई, तो ये पासवर्ड बहुत ही ईजिली हैक हो जाएगा। फिर चाहे गूगल तुमको ये ना बोल रहा हो कि भाई वो 100% सिक्योर पासवर्ड है, फिर भी इस पासवर्ड को हैकर्स ईजिली हैक कर सकते हैं, फाइन। इस केस में अगर हम लोगों को खुद को सेफगार्ड करना है, हैकिंग से बचाना है, तो हम लोगों को अपने पासवर्ड को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए और हम लोग को अपने पासवर्ड को बहुत सिक्योर बनाना चाहिए। वेल, पासवर्ड्स आर एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर यू ऑनलाइन। यू कैन एंटर इनटू एन ऑनलाइन अकाउंट ओनली इफ यू नो योर करेक्ट पासवर्ड। सिंस पासवर्ड गिव्स एंट्री टू द ऑनलाइन अकाउंट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इट सिक्योर। वेल, बिकॉज जितनी भी हम लोग की ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं, वो हम लोग के ऑनलाइन अकाउंट्स के थ्रू होती हैं, और अगर हम लोग अब चाहते हैं कि अपनों के जितने भी ऑनलाइन अकाउंट्स हों वो प्रॉपरली वर्क करते रहें, तो भाई हम लोग को उसके पासवर्ड को सेव करके रखना चाहिए। क्रिएटिंग अ सिक्योर पासवर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग यू ऑनलाइन। फाइन, अगर हम लोग का पासवर्ड सिक्योर है, तो हम लोग खुद को ऑनलाइन बहुत ही ईजिली सेफगार्ड कर सकते हैं किसी भी तरीके के रिस्क या साइबर क्राइम से। अब बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हेल्प्स यू इन द फॉलोइंग थिंग्स। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लोगों को इन चीज़ों में हेल्प करता है। कीप योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव। वेल, अगर हम लोग का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव कर पाएंगे हैकर्स से। देन इट ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आर ईमेल्स, फाइल्स एंड अदर कंटेंट दैट वी हैव स्टोर्ड ऑन द क्लाउड्स। अगर तुम किसी भी टाइप के क्लाउड स्टोरेज का यूज़ कर रहे हो भाई, तो वहाँ पर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, बिकॉज अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है, तो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन या तुम्हारा जो भी डेटा तुमने क्लाउड में स्टोर करा होगा, उसको कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। एंड प्रिवेंट समवन फ्रॉम ब्रेकिंग इनटू योर अकाउंट। अगर तुम्हारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, तो उस केस में कोई भी तुम्हारे अकाउंट को इजीली एक्सेस कर सकता है। अब कुछ दिमागदार बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी अपने पासवर्ड में ये लिख देते हैं पासवर्ड, या फिर मुझे याद है आज से कुछ सालों पहले कुछ बच्चे क्या करते थे, पासवर्ड में लिख देते थे कंप्यूटर, और वो सोचते थे कि उनका पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई भी गेस नहीं कर पाएगा। या फिर भाई कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फादर या मदर का नेम लिख देते हैं, अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। वेल, अगर तुम ऐसा कोई भी चीज़ कर रहे हो बेटा, तो इस टाइप के पासवर्ड्स बहुत ईजिली गेस हो सकते हैं, फाइन। सो नेवर राइट योर नेम्स, योर मोबाइल नंबर्स एंड ऑल सच डिटेल्स। ये जितनी भी कॉमन वाली चीज़ें होती हैं ना, कभी भी इसको अपने पासवर्ड में मत लिखा करो, इसको कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है, इसको कोई भी इजीली हैक कर सकता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके का पासवर्ड इजीली हैक हो सकता है, और हम लोग अपने पासवर्ड को कैसे सिक्योर बनाएं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट, वेज इन विच योर पासवर्ड मे बी क्रैक्ड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरह से हम लोगों के पासवर्ड्स को क्रैक करा जा सकता है, यानी कि हैक करा जा सकता है। हम लोग अब बात करेंगे थोड़ी सी हैकिंग की यहाँ पे, फाइन, कि किस तरीके से हम लोगों के पासवर्ड्स हैक या क्रैक हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग, समवन्स आउट टू गेट यू। वेल, सम पीपल डेस्परेटली ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू योर अकाउंट माइट बी एबल टू गेस योर ईमेल पासवर्ड एंड यूज पासवर्ड रिकवरी ऑप्शंस टू एक्सेस योर अदर अकाउंट्स, फाइन। अब सपोज करो भाई मेरे पास 4 ईमेल अकाउंट्स थे, जिनमें से मेरा एक प्राइमरी ईमेल अकाउंट था, और मैंने गलती से क्या करा भाई, मैंने अपने उस प्राइमरी ईमेल अकाउंट का पासवर्ड रखा था Rajat123, फाइन। अब क्या हुआ भाई, मेरे एक फ्रेंड ने इस पासवर्ड को गेस कर लिया और उसने मेरे अकाउंट को एक्सेस कर लिया, फाइन। जैसे ही वो मेरे इस एक अकाउंट को एक्सेस करेगा, तो इस अकाउंट के साथ जितने भी लिंक्ड अकाउंट्स होंगे, वो उन सारे अकाउंट्स को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने जीमेल के इस वाले अकाउंट का, जिसका पासवर्ड Rajat123 था, अगर मैंने इससे कोई फेसबुक का अकाउंट बनाया होगा, तो भाई तुम उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अगर यहीं से मेरा कोई नेट बैंकिंग का पासवर्ड होगा, तो उसको भी चेंज कर सकते हो। या फिर अगर मैंने यही सेम पासवर्ड किसी और प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ करा होगा, तो तुम वहाँ से भी जा करके उसको ईजिली मॉडिफाई कर सकते हो। तो भाई फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग को याद रखनी है कि बहुत सी बार ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हम लोग की इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करें, एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने पासवर्ड को हमेशा ऐसे लोगों से सेव रखना चाहिए। देन यू बिकम द विक्टिम ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। अब भाई एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रूट फोर्स या फिर डिक्शनरी अटैक। कभी कभी क्या होता है भाई, हम लोगों के साथ एक अटैक होता है, हम लोगों के क्या होते हैं हैकर्स क्या करते हैं भाई, हम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक फेसबुक और जीमेल पे कुछ स्पेशल टाइप की स्क्रिप्ट्स के थ्रू, कुछ स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम लोगों के अकाउंट पे अटैक करते हैं। अटैक का मतलब भाई यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फेसबुक का पेज था, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, आईडी और पासवर्ड, फाइन। अब इस ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है भाई, किसी का भी आईडी तो हम लोग को ईजिली मिल जाता है ना। मान लो अगर तुम्हें मेरा आईडी चाहिए होगा, तो तुम क्या करोगे, मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पर जाओगे, वहाँ पर मेरा यूज़र नेम तुम लोगों को URL में से मिल जाएगा। सपोज करो तुमने मेरे यहाँ पे यूज़र नेम एंटर कर दिया, फाइन। अब बारी आती है पासवर्ड की, तो पासवर्ड के लिए तुम क्या कर सकते हो, अब ब्रूट फोर्स अटैक क्या करता है भाई,
पासवर्ड के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाता है और उन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को एक एक करके ट्राई करता है सेम यूज़र नेम के साथ में. फाइन, ये क्या करेगा भाई, ये 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 मिलियंस 100 मिलियंस पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा एंड देन इट विल ट्राई ऑल दीज पॉसिबिलिटीज इन योर पासवर्ड सेक्शन. ये क्या करेगा भाई, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनाएगा, ये 6 लेटर्स से लेकर के 16 लेटर्स तक का की अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा. कभी कभी उससे ज़्यादा लेटर्स की भी पासवर्ड कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा जिसमें नंबर्स लेटर्स स्पेशल सिम्बल्स सब कुछ होंगे और ये एक एक करके उन सारी चीज़ों को तुम्हारे अकाउंट पर ट्राई करना स्टार्ट कर देगा. और जिस भी पासवर्ड से तुम्हारा अकाउंट ओपन हो जाएगा ये वो पासवर्ड हैकर को मेल कर देगा या उसको प्रोवाइड कर देगा. फाइन, तो यहाँ से क्या हुआ, अल्टीमेटली हम लोगों का लॉस हो रहा है. अब इस कंडीशन में हम लोग कर क्या सकते हैं खुद को सेफगार्ड करने के लिए, कोई ऐसा पासवर्ड रखो जिसको कभी कोई गेस ही ना कर पाए. देन नेक्स्ट, देयर इज अ डेटा ब्रीच. कभी कभी क्या होता है, एक डेटा ब्रीच होती है, यानी कि हम लोगों का डेटा क्या होता है, लीक हो जाता है या कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. एवरी फ्यू मंथ इट सीम्स अनदर ह्यूज कंपनी रिपोर्ट्स अ हैकिंग रिजल्टिंग इन मिलियंस ऑफ पीपल्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. हर महीने क्या हो रहा है भाई, आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज का डेटा लॉस हो रहा है. हैकर्स क्या करें, डेटाबेस उनका हैक कर लेते हैं और वहाँ से बहुत सारे पासवर्ड्स को वो लीक कर लेते हैं. तो भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी खुद को सेफगार्ड नहीं कर सकता है. एक सिनेरियो मैं तुम लोग से शेयर करना चाहता हूँ. इन 2018 देयर वाज अ न्यूज़, एक कंप्यूटर की मैगजीन में एक आर्टिकल आया था जिसके अकॉर्डिंग 10 मिलियन फेसबुक यूज़र का पासवर्ड जो था, फाइन 10 मिलियन FB यूज़र्स का जो पासवर्ड था वो ऑनलाइन एक वेबसाइट पर रिवील कर दिया गया था. उसको कुछ हैकर्स ने हैक करा होगा और उसके बाद उन लोगों ने क्या करा, एक वेबसाइट पर जाके पूरा का पूरा पासवर्ड वाली लिस्ट वहाँ पर अपलोड कर दी. इससे भाई लोगों का नुकसान क्या हुआ, जैसे ही ये डेटा वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया, अब उसके ऊपर कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है वेरी इजीली बाय यूजिंग दैट पासवर्ड लिस्ट. फाइन, तो हम लोगों को टाइम भी अपने पासवर्ड को भाई क्या करना चाहिए, चेंज भी करना चाहिए. तो अभी हम लोगों ने कुछ ऐसी तरीके पढ़े जिससे हम लोगों का पासवर्ड क्रैक हो सकता है. जैसे हम लोगों ने पहले सीखा कि भाई कभी कभी कुछ लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं तो वो क्या करते हैं, गेस करते हैं या हमारे पासवर्ड को देख लेते हैं. सेकेंड, दे कैन यूज़ ब्रूट फोर्स अटैक. और कभी कभी कुछ हैकर्स के साथ उनकी किस्मत साथ देती है और वो क्या करते हैं, किसी डेटा ब्रीच का वेट करते हैं और जैसे ही हम लोगों के पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज होते हैं देन दे कैन यूज़ इट अगेंस्ट अस. अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की कि आखिर तुम एक हैकर को चकमा कैसे दोगे. हाउ टू चूज अ गुड पासवर्ड. वेल, चूजिंग एन इफेक्टिव पासवर्ड इज वेरी क्रूशियल एंड इक्वली इट इज क्रूशियल टू कीप देम कॉन्फिडेंशियल. वेल, आज की डेट में अपने पासवर्ड को सेफगार्ड करना, एक सिक्योर पासवर्ड को पिक करना बहुत डिफिकल्ट है और साथ ही साथ उस पासवर्ड को अपने पास सिक्योरली रखना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है. ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड दैट यू चेंज योर पासवर्ड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स. हर कुछ महीनों में हम लोगों को अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहिए, बिकॉज अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है अगर कंपनी का डेटा लॉस होता है या कंपनी के साथ कोई भी हैकिंग एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर तुम्हारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. फाइन, नाउ वी हैव टू रीड अ फ्यू पॉइंट्स. अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हम लोगों को बताएंगे कि हम लोग अपने अकाउंट को किस तरह से सेफगार्ड कर सकते हैं. पहला पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पिक करने के लिए नो डिक्शनरी वर्ड प्रॉपर नाउन्स और फॉरेन वर्ड्स. कभी भी किसी डिक्शनरी वर्ड को प्रॉपर नाउन या फॉरेन वर्ड्स का यूज़ मत करो. या फिर यू शुड अवॉइड यूजिंग कन्वेंशनल वर्ड्स एज पासवर्ड. कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं लाइक हम लोगों का फर्स्ट नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, मोबाइल नंबर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कोई भी गेस कर सकता है. फाइन, या फिर हम लोगों की डेट ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों को कोई भी ईजिली गेस कर सकता है. तो कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ को अपना पासवर्ड मत बनाओ. नॉट ओनली दैट, sometimes what we do, by the same token they should also avoid regular words with numbers tagged onto the end and conventional words they are simply written backwards. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को बहुत समझते हैं होशियार, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने पासवर्ड को लिख देते हैं उल्टा. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पासवर्ड बनाना था एडमिन और तुमने उसको उल्टा लिख दिया भाई, देखो इस तरीके से. जैसे ही तुमने ऐसा पासवर्ड सेव करा तुमने तो सोचा कि तुमने बहुत खतरनाक काम कर लिया भाई, तुम्हारा पासवर्ड बहुत ज़्यादा सिक्योर है. लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, इस टाइप के पासवर्ड्स बहुत इजीली हैक हो सकते हैं. तो कभी भी हम लोगों को इस टाइप के इजी टू गेस वाले पासवर्ड्स नहीं रखने चाहिए. देन नेक्स्ट, नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन. किसी भी पासवर्ड में अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ मत करो, बिकॉज मोस्टली लोगों को, जितने भी हम लोगों के आसपास के लोग होते हैं उनको हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी पता होती है. फॉर एग्जाम्पल, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा उसको तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पता होगी, उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर होगा,
ही नो योर पेट्स नेम, योर मदर्स नेम, योर फादर्स नेम, उसको तुम्हारा एड्रेस भी पता है। तो अगर तुम अपने पासवर्ड में इनमें से कोई भी चीज़ रख रहे हो तो भाई वो जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारे अकाउंट को इजीली हैक कर सकता है। तो कभी भी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर यूज़ मत करो। अच्छा, हम में से कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, वो अपने फेवरेट फ्रूट को, अपने फेवरेट फूड आइटम को, अपने फेवरेट फ्लावर को अपना पासवर्ड बना देते हैं। तो ऐसा भी मत करो, इसको भी कोई भी इजीली गेस कर सकता है। देन नेक्स्ट, यूज़ लॉन्गर पासवर्ड। हमेशा एक काम करना है, बड़ा, जितना बड़ा पासवर्ड होगा वो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हैकिंग के लिए और उतना ही तुम्हारा अकाउंट सिक्योर होता है। चलो हम लोग एक छोटे से सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। वंस आई वॉज लर्निंग वन अटैक, फाइन, एक बार मैंने एक छोटा सा कोर्स करा हुआ है नेटवर्क सिक्योरिटी का, फाइन। तो जब मैं उस कोर्स को कर रहा था तो हम लोगों ने वहाँ पर उस टाइम पे एक स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रा। ये हाइड्रा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पासवर्ड्स को क्रैक कर सकते थे। अब ये वर्क नहीं करती है, डोंट वरी, फाइन। ये पासवर्ड हैक करने की स्क्रिप्ट है, फाइन। अब हाइड्रा के थ्रू यहाँ पर हम लोग के पास एक फैसिलिटी थी, हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट करते थे और इस डिक्शनरी के थ्रू हम लोग बहुत सारे करोड़ों में पासवर्ड्स बना सकते हैं और फिर उसके बाद लोगों के अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू, फाइन। तो इस केस में होता क्या है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर हम लोग कोई फोर लेटर का पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, फाइन, फोर लेटर के पासवर्ड को हैक करने में टाइम लगता है 2 से 3 आवर्स का, फाइन। सिक्स लेटर के पासवर्ड को या सिक्स कैरेक्टर्स के पासवर्ड को क्रैक करने में टाइम लगता है 4 to 6 आवर्स का। 10 लेटर्स का पासवर्ड या 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड क्रैक करने में या हैक करने में टाइम लगता है 12 to 24 आवर्स का। वो भी कब, जब तुम्हारे पास हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी हो और तुम्हारे पास एक अच्छा कंप्यूटर हो, एटलीस्ट i7 प्रोसेसर के साथ में। और वहीं पर अगर तुम्हारा 10+ कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे पासवर्ड में, अगर 10+ कैरेक्टर्स हैं, 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो उस केस में 1 डे से लेकर के 1 दिन से लेकर के 1 मंथ तक का लग जाएगा उस अटैकर या हैकर को तुम्हारा पासवर्ड हैक करने में, अगर वो कोई भी टाइप का ब्रूट फोर्स अटैक तुम्हारे अकाउंट पे कर रहा है तो, फाइन। तो ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब सपोज करो भाई तुमने एक 15 कैरेक्टर्स का पासवर्ड पिक कर रखा था जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, जिसमें लेटर्स थे, नंबर्स थे और सिंबल्स थे। तो भाई ये जो पासवर्ड हो गया ना 15 कैरेक्टर्स का, फर्स्ट थिंग कि भाई देखो 10+ कैरेक्टर्स वाले में 1 मंथ लग रहा है, ये 15 कैरेक्टर्स यानी 1 मंथ से ज़्यादा लगेगा टाइम्स को हैक करने में, प्लस इसमें लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, फाइन। तो इस टाइप वाले जो पासवर्ड होते हैं, बड़े बड़े पासवर्ड होते हैं, इनको हैक करना इम्पॉसिबल बन जाता है हैकर्स के लिए, फाइन। और कोई भी स्क्रिप्ट इतने बड़े पासवर्ड को ईजिली हैक नहीं कर सकती है। सो वॉट वी हैव टू डू भाई, वी हैव टू ऑलवेज पिक अ स्ट्रॉन्ग एंड अ लॉन्गर पासवर्ड। जितना बड़ा पासवर्ड होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लॉन्गर पासवर्ड्स आर मोर सिक्योर देन शॉर्टर वंस बिकॉज देर आर मोर करेक्टर्स टू गेस, बिकॉज उसमें ज़्यादा करेक्टर्स होते हैं गेस करने के लिए और ये बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। यूज़ अ मिक्स ऑफ अपर केस, लोअर केस एंड नंबर्स एंड सिम्बल्स। फॉर एग्जाम्पल, तुमको अपने लिए कोई पासवर्ड गेस करना था, तो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फाइन। सपोज योर नेम इज राम अवतार, फाइन। सपोज योर नेम इज राम अवतार, योर बर्थ ईयर इज, योर बर्थ डेट इज लेट से 20th February 2006, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, फाइन। लेट सपोज योर नेम इज राम अवतार, योर डेट ऑफ बर्थ इज 20th February 2006 एंड नाउ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ सिक्योर पासवर्ड। नाउ वॉट यू कैन डू, देखो तुम कुछ ऐसे कर सकते हो भाई, फाइन। अभी मैं पासवर्ड तुम लोगों का क्रिएट कर रहा हूँ, देखना ज़रा। अब देखो क्या हुआ, ये जो मैंने एक छोटा सा पासवर्ड बनाया है इसको तुम तो इजीली याद कर लोगे अगर तुम्हारा नाम राम अवतार था और ये तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ थी, ठीक है। बट मैंने क्या करा, देखो मैंने इस पासवर्ड में ये कैपिटल में रखा है, ये कैपिटल में रखा है, यहाँ पर जीरो की जगह पे मैंने यूज़ करा है लेटर ओ का, मैंने यहाँ पे जीरो की जगह पे यूज़ करा है लेटर ओ का, फिर भी देखो मैंने नाम में मैंने फिर कैपिटल में यूज़ करा, मैंने यहाँ पे फिर भी क्या करा डॉलर और @ जैसे सिंबल्स का यूज़ करा है, फिर यहाँ पे मैंने यूज़ करा है तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ और मंथ को एक साथ। अभी जो इस टाइप वाले पासवर्ड्स होते हैं, देखो ये पासवर्ड बहुत डिफिकल्ट बन गया है, फाइन। भले ही इसमें तुम्हारा नाम लिखा हो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ हो, बट बिकॉज मैंने उसको इस तरह से शफल करा है स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ में, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा किसी भी हैकर के लिए हैक करना।
फाइन. सो व्हेनेवर यू आर पिकिंग योर पासवर्ड ऑलवेज ट्राई टू बी क्रिएटिव. उसमें स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, जितना ज़्यादा इन सबको मिला करके शफल करके एक अच्छा सा सिक्योर पासवर्ड बना सकते हो, उतना ही तुम्हारा ज़्यादा अकाउंट सिक्योर हो सकता है. नाउ यूज़ पास फ्रेजेस. हमेशा क्या करो, पासवर्ड के लिए बड़ी बड़ी फ्रेजेस का इस्तेमाल करो. कंसीडर यूजिंग पास फ्रेजेस वेयर यू कैन. जहाँ पे भी एक पासवर्ड की फ्रेज यूज़ कर सकते हो उसको यूज़ करो. जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, पासवर्ड फॉर माय साइट. अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, पासवर्ड में वर्ड की जगह मैंने WD यूज़ करा है, फॉर की जगह मैंने नंबर यूज़ करा है, और साइट में S की जगह मैंने यूज़ करा है डॉलर का, और एंड में यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क है. इस टाइप वाले पासवर्ड हमेशा बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं, बिकॉज इसमें क्या क्या है, इसमें लोअर केस है, कैपिटल लेटर्स हैं, नंबर्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं. देन नेक्स्ट, डू नॉट रिपीट पासवर्ड्स ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स. याद रखना, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तुम्हारे पास, फेसबुक में अकाउंट होगा, इंस्टा पे अकाउंट होगा, फाइन, ट्विटर पे अकाउंट होगा, जितने भी अकाउंट्स यूज़ करते हो हर अकाउंट का पासवर्ड अलग होना चाहिए. इसके पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल सा है, आजकल हैकर्स क्या करते हैं, वो हमारा फेसबुक हैक कर लेते हैं, और फेसबुक हैक करने के बाद उनको इंस्टाग्राम की डिटेल्स मिल जाती हैं, वहीं से उनको ट्विटर की डिटेल्स मिल जाती हैं, और वही सेम पासवर्ड हमारे जीमेल को हैक करने में भी इस्तेमाल हो जाता है. फाइन, वही सेम पासवर्ड हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी नेट बैंकिंग में इस्तेमाल करते हैं. सो ऑल सच थिंग्स आर पॉसिबल. तो हम लोगों को हमेशा खुद को सेफगार्ड करना है, तो हम लोगों को अपने पासवर्ड्स को रिपीट नहीं करना है. और अब आते हैं अपने इस क्लास के लास्ट पेज पे. इन अ नटशेल नाउ व्हाट वी कैन से, यू शुड यूज़ दीज टेक्निक्स. यहाँ पे हम लोग जो टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग को इनका यूज़ करना चाहिए. पहला पॉइंट, यूज़ डिफरेंट पासवर्ड्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट सिस्टम्स और डिफरेंट अकाउंट्स. फाइन, जितने PC जितने अकाउंट्स हैं सबका पासवर्ड अलग अलग रखो, कभी भी सिमिलर पासवर्ड का यूज़ मत करो. डोंट यूज़ पासवर्ड्स दैट आर बेस्ड ऑन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. अगर कोई भी पासवर्ड तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर डायरेक्टली बेस्ड है तो भाई उसका यूज़ मत करो, उसको हैकर इजीली एक्सेस कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल, लोअर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. हमेशा पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा पासवर्ड डिफिकल्ट बन जाएगा और उसको कोई भी इजीली हैक नहीं कर पाएगा. डोंट यूज़ वर्ड दैट कैन बी फाउंड इन एनी डिक्शनरी और एनी लैंग्वेज. कोई भी ऐसा वर्ड मत यूज़ करो जिसको कोई भी इजीली गेस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा मन था तुम्हारे पासवर्ड में भाई तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लिखने का, फाइन, तुम्हारा ईयर मेंशन करने का मन है और तुम्हारा जो बर्थ ईयर है वो 2006 है, तो देखो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो. तुम लिखो 2 00 B. फाइन, ये देखो मैंने लिख दिया 2006. अब जरा मुझे सोच के बताओ, कमेंट डाउन करो, क्या कोई भी 2006 को इस फॉर्म में गेस कर पाएगा. यहाँ पे देखो एक भी नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ है. देखो TW और 2 कैरेक्टर्स हैं, OO हैं और ये B लिखा हुआ है जो कि 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है. फाइन, अगर तुम इस तरह से अपने पासवर्ड्स को फ्रेम करते हो तो ऐसे पासवर्ड्स हैक करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं. देन नेक्स्ट, डेवलप निमोनिक्स सच एज पास फ्रेजेस फॉर रिमेंबरिंग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स. हमेशा क्या करो, पासवर्ड फ्रेजेस का इस्तेमाल करो और अपने पासवर्ड को इजीली इसके थ्रू तुम याद रख पाओगे. सो विद दिस हैव वी एंड दिस क्लास. आई थिंक सबको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी. वेल, अगर ये क्लास अच्छी लगी हो बेटा, देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, या नहीं भी प्रेस कर सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस. वेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, काइंडली स्टे सेफ, घर पे रहो, सेफ रहो, मास्क लगा के बाहर निकलो अपने घर से, सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज़ करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो घर से बाहर निकलना प्लीज़ उतना अवॉइड करो. अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो भाई जा सकते हो. बाकी स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीप स्माइलिंग. वेल, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओवर हेयर, ओवर दिस साइड यू विल गेट द क्लास 9th प्लेलिस्ट, और यहाँ पर तुम लोगों को मिल जाएगा लास्ट लेक्चर का वीडियो. तो जाके उस वीडियो को देखो, एंजॉय करो.